नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सहुले में एक बार फिर पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए अज्ञात बदमाशों ने सीएसपी कर्मी से हथियार के बल पर 1,23,000 रुपये की हुई लूट। हसनपुरा प्रखंड के सहुली पंचायत के फलदुदिया के समीप मंगलवार को एक बार फिर अज्ञात बदमाशों ने पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए एसबीआई सीएसपी कर्मी का पिस्टल के बल पर 1,23,000 रुपये की लूट का अंजाम देकर बड़े ही आसानी से भागने में सफल रहे। इस बाबत सीएसपी संचालक इरशाद हुसैन ने बताया कि गोपालपुर स्थित एसबीआई के शाखा से मेरे कर्मी अनिल कुमार यादव व एक अन्य व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक से पैसा निकालकर हसनपुरा को आ रहे थे कि इसी बीच सहुली टोला फलदुधिया के समीप अपाची पर सवार दो की संख्या में बदमाशों ने बाइक रुकवाकर पिस्टल के बल पर 1,23,000 रुपये लूट कर बड़े ही आसानी से सिवान के तरफ भागने में सफल रहे। लूट की घटना का सूचना मिलते ही हुसैनगंज थाना व एमएच नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुँच जाँच पड़ताल में जुट गए। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए कहा कि पुलिस की विफलता के कारण आए दिन लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। मैं अरंडा, मैं सीएसपी इंचार्ज हूँ स्टेट बैंक का, सीएसपी चलाता हूँ अरंडा में, अरंडा असमपुरा के बॉर्डर पे। स्टाफ को मैं 1,23,000 का चेक काट के दिया कैश लाने के लिए। हम ब्रांच हम लोग का जो है सीएसपी ब्रांच जो है वहाँ गोपालपुर में है स्टेट बैंक का। ये लोग वहाँ से लेकर के चले पैसा, तो यहाँ ताज है चमनी के पास, यहाँ ग्रिड है एक ये बनाने वाला, इसी सामने पे तो पैसा छीना गया 1,23,000 रुपया। जैसा कि वो लोग स्टाफ लोग बता रहे हैं, जबकि एक पुलिस जो है ये हसनपुरा पुलिस जो है वहाँ पर अपने हसनपुरा के बॉर्डर पे खड़ी है चेक पोस्ट पर, और हुसैनगंज थाना में इधर में पेट्रोलिंग में है। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिस्टलधारी कैसे अंदर आ गए। सर ये बताइए, घटना कब की घटना है? ये लगभग 2 बजे का। आपके स्टाफ में कई लोग थे सर? हमारे 2 स्टाफ थे, एक जो है एक स्टाफ अनिल कुमार यादव है जो करीला घर है, और दूसरा स्टाफ जो है हसनपुरे के ही है, हमारे ड्राइवर है मनोज कुमार राम। आपका सीएसपी अरंडा में है? हाँ, अरंडा में। दोनों आदमी पैसा लेके आ रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि ऐसा घटना घट गया। क्या कहेंगे सर, लगातार यहाँ सड़क पे इसी स्थान पे घटनाएं घट रही हैं सर, क्या अब इसके लिए क्या कहेंगे? अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि थोड़ा सही व्यवहार करो और पुलिस को तैनात करो, लेकिन इतना तैनात के बाद जो छिन गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहूँगा कि इसको जाँच किया जाए, फिर क्या है सही है, कौन लोग हैं। प्रशासन से सर क्या कुछ आपकी मांग रहेगी सर? प्रशासन से तो हर एक आदमी का डिमांड यही है कि अभी तो आए दिन मैं सुन रहा हूँ, 2-4 दिन पहले भी कई जगह लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अपना और सख्ती से लोगों का ये करे, हिफाजत करे। ओके सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। सीएसपी आप ही का है? हाँ, सीएसपी मेरा ही है। किस कंपनी? स्टेट बैंक का है, स्टेट बैंक का सीएसपी है, वेदाबाग कंपनी।